तो भाइयों बहनों, आज हम खेलने वाले हैं फारलाइट 84। जैसे कि मैंने तुमसे बोला था, दो दिन पहले बोला था कि इस गेम को हम खेलेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। तो उसी वादे को पूरा करते हुए आज के दिन लेकर आ चुका हूँ तुम सभी के लिए ऑन डिमांड फारलाइट 84 का गेम प्ले। क्या बात है। नाउ अभी हम आ चुके हैं अपने मैप पे। हमारा बैटल ग्राउंड मैप कुछ इस तरीके से दिखता है एंड तुम यहाँ पर सारे प्लेसेस भी देख सकते हो। कार्निवल है और रिवर पार्क है, रिवर व्यू पार्क है और बहुत सारे प्लेसेस हैं एंड मैप काफी ज्यादा बढ़िया बना रखा है। मैंने खेला है तभी बता रहा हूँ, और तुम भी खेलोगे तो तुम्हें पता लगी जाएगा। बाकी हम लैंड करते हैं अपने कार्निवल पे, जो कि इसका पीक रहने वाला है, यानी कि मिडिल एरिया रहने वाला है। और जैसे कि तुम्हें पता है, प्रो प्लेयर्स ऑलवेज अकेले उतरते हैं, सो मैं यही सोच के अकेले उतर गया। और मेरे टीममेट्स देख सकते हो तुम, सारे टीममेट्स अलग हैं बट मैं ऑलवेज अलग उतरता हूँ, बिकॉज आई एम अ प्रो। ओके, सो मैं अकेले तो उतर चुका हूँ बट मेरे साथ कोई बंदा उतरना नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे पास अभी गन वन कुछ है नहीं। तो पहले लूट करते हैं एंड लूट में बॉम्ब मिला, और ये क्या, उतरते के साथ ही दो बंदे मिल गए। ये पूरी की पूरी यहाँ पर स्क्वाड है एंड मुझे लगता है यहाँ पर मैं फंस चुका हूँ। सबसे पहले मेरे को गन लूटनी होगी, गन लूटने के लिए मैं जंप कर रहा हूँ। अब इस गेम की एक बहुत खराब बात मेरे को ये लगी कि जंप करने के बाद भी मेरे को उस तरफ जाने नहीं देते एंड ये मारा जा रहा है। कब से मारा जा रहा है, हमें छोड़ दे यार, इतने मारेगा यार। आई थिंक मैं यहाँ से बचूंगा नहीं, मेरी यहाँ से पेटी बन जाएगी और मैच खत्म हो जाएगा। बट फिर भी मेडिकेट मार लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है क्या नहीं। अभी दो स्क्वाड है यहाँ पर और तुम देख सकते हो 10-20 मीटर की दूरी पर सारे स्क्वाड है। मेरे को सबसे पहले तो गन ढूंढनी होगी, और ये जेट पैक काफी ज्यादा यूजफुल है, मतलब भागने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है ये जेट पैक। एंड तुम देख सकते हो सबसे पहले मेरे को गन लेनी होगी। शॉर्ट गन मिली है यहाँ पर, और शॉर्ट गन के साथ दूसरी कौन सी गन है, गन्स का भी मेरे को पूरी तरीके से नाम नहीं पता, बट ये दूसरी गन वाली भी बहुत मस्त है। एंड ये लड़की आ चुकी है, इस लड़की को मारते मारते याद आया हेल्थ तो है नहीं, और यहाँ पे इस लड़की ने मेरे को नॉक कर दिया एंड मतलब शॉटगन से मारा यार, बहुत सॉलिड मारा इस लड़की ने। और इसके साथ मेरे को रिवाइव भी कर दिया गया, तुम देख सकते हो टीममेट्स काफी ज्यादा ओपी मिले थे यहाँ पर मेरे को। सो 3 सेकंड में वापस आ जाऊंगा एंड अब ये टाइम बदला लेने का है, मेरे को बदला लेना होगा अपना इस लड़की से। जिस तरह से इसने मेरे को मारा ना, मतलब बहुत दुख हुआ। इतने पास से क्लोज में ना मेरे पास वेस्ट थी, ना मेरे पास गन थी ढंग की, और इसने मतलब बहुत तगड़ा शॉटगन मारा यार। भैया मैं तो टूट गया। मैं वापस से उसी जगह पे उतरता हूँ बट इस बार दूसरे घर में, वहाँ पे भी दूसरे घर थे तो मैंने सोचा पहले लूट कर लेते हैं, बिकॉज बिना लूट के तो दोबारा जाना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला जैसे सीन हो जाएगा। जैसे पिछली बार उसने मेरे को मारा बेरहमी से, वैसे इस बार भी मार देगी। सो सबसे पहले मेरे को गन लूटना होगा, और अच्छी गन लूटनी होगी, मतलब ऐसी बकवास सी नहीं। अभी मेरे को गन्स की भी नॉलेज नहीं है यहाँ पर, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता कौन सी गन बेहतर है कौन सी नहीं, बट इतना पता है ये जो पर्पल वाली जितनी भी चीज़ें होती है ना, अपग्रेडेड होती है एंड बहुत बढ़िया होती है। सो इसको लेके रखना, अगर तुम्हें भी मिले ना तो तुम ले लेना, बिकॉज ये काफी सॉलिड डैमेज देती थी। मैंने 2-3 मैच खेले ना पिछले में, तो मैंने देखा ये काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाता है और बहुत गंदा डैमेज जाता है सामने वाले को। आपका नॉलेज तो कमाल का। तो मेरे इस बेहतरीन नॉलेज के बाद मुझे लगता है तुम लोगों को भी प्रो बनने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, और तुम लोग भी आज से पर्पल वाली चीजें लेना ज्यादा प्रेफर करोगे इस गेम में। एंड इससे पहले कि कुछ हो, मेरे को सबसे पहले यहाँ पर लूट करनी होगी। एंड उधर फाइट चल रही है बट अभी मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, वहां जा भी नहीं सकता मैं, बिकॉज मेरे पास लूट नहीं है। अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को झटके में मार देंगे, मतलब थोड़ी हार्ड लॉबी आ रही है मेरे हिसाब से। मैंने जितने भी गेम खेले ना इसके पहले, उन सारे गेमों में मैंने काफी ज्यादा अच्छी रेट से मतलब किल मारे थे, 10-15 किल मारे थे एंड उस मैच को रिकॉर्ड भी करा था। बट हुआ कुछ ऐसा कि मतलब वो रिकॉर्डिंग इतनी बेकार थी कि मैं तुम लोगों को दिखा नहीं सकता था, तो उस वजह से मेरे को दूसरा मैच खेलना पड़ा। और इसी के साथ इसी बीच मेरा टीममेट यहाँ पर वापस आ चुका है एंड अब मेरे में आ चुका है कॉन्फिडेंस एंड अब मैं जा रहा हूँ उनको मारने। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, यहाँ से क्या एम लगेगा क्या, मतलब यहाँ से कोई बंदा तो दिख नहीं रहा, मेरे को आगे जाना होगा अगर मेरे को बंदे को मारना है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टीममेट्स के पास, और टीममेट्स मेरा क्या कर रहा है क्या नहीं तुम देख सकते हो, वो भी भाग रहा है। बाकी ये मस्त चीज लेकर आया अपने साथ, ये जो गाड़ी ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना, काफी धांसू चीज है, मतलब इससे मैंने बहुत बंदे मारे। एंड ये हमारा दुश्मन आ चुका है हमारे सामने, और इस दुश्मन को मारने के लिए मेरे को अपना फायर ऑन करना पड़ेगा, बट इसको डैमेज क्यों नहीं जा रहा यार, मतलब इतनी फायर करने के बाद भी एंड अब मैं फायर ही नहीं कर पा रहा हूँ। ओह मींस इसका एक टाइमर भी होता है, सो उसके साथ साथ मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ इसको गाड़ी में एंड गाड़ी में भी अपने को फायर करने का ऑप्शन मिलता है, तो इस हिसाब से मैं इसको फायर कर रहा हूँ। बट यहाँ पर एम लॉक करना इतना मुश्किल होता है ना कि देखो वो लड़की भागी दोबारा से एंड चारों तरफ से पड़ रही है, मतलब एक जगह दो जगह नहीं 3-3 जगह से पड़ रही है। और यहाँ पे मुश्किल की बात यह है कि मेरी गाड़ी भी फंस चुकी है, सो मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया जल्दी से एंड ट्रांसफॉर्म करके इसको दोबारा से आग देते हैं एंड आग से यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, मतलब 16 का डैमेज गया इतनी देर आग देने के बाद भी, इतने ज्यादा फायर करने के बाद 16 का डैमेज जाता है। फिर से मैंने ट्रांसफॉर्म करा एंड अब मेरी गाड़ी बहुत गंदी तरीके से डैमेज हो चुकी है, मुझे जल्दी से उतरना होगा। इजेक्ट करा मैंने यहाँ पर, और अब ये लड़की को, अब लड़की को बताते हैं, गन से मारते हैं इसको एंड देखते क्या होता है क्या नहीं। और सबसे पहले 13 का डैमेज, 42 हेडशॉट भी लगा यहाँ पर 142 का, और उसने फ्रीज कर दिया मेरे को। और यहाँ पे मैं इसको मारता हूँ एंड मारते मारते नॉक हो चुका है, पता नहीं किसने नॉक
नॉक करा, आई थिंक वो सामने वाले ने नॉक करा, बट मैं इसका किल ले लेता हूँ जल्दी से बिकॉज बहुत ज्यादा डैमेज मैंने भी दिया था इसको। और कंफर्म करते करते दुख की बात यह है कि इसके टीममेट ने मेरे को भी डाउन कर दिया है एंड यहाँ पर अब मेरी शायद से पेटी बन जाएगी, मेरे को बचाने वाला कोई है भी नहीं और दो टीममेट ऑलरेडी मर चुके हैं मेरे एंड ये मैं तीसरा मर गया। सो अब मेरे पास एक ही टीममेट बचा है, अगर ये मेरे को रिवाइव करे तो करे। A few moments later. तो इसने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और उसके बाद मेरे को रिवाइव कर दिया एंड ये मेरा तीसरा मौका है इस गेम में और मैं तीसरी बार अलाइव हो चुका हूँ दोबारा से इस गेम में एंड इस बार तो भूया करके ही मतलब वापस आएंगे। और एक बार फिर से मेरी लैंडिंग बहुत ही गलत जगह पर हुई है, दो स्क्वाड फिर से लड़ रही है एंड मेरे को यहाँ से भागना होगा। A few moments later. तो बहुत देर लूट करने के बाद मेरे को मैं वापस से उसी जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पे कि मैं मरा था एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो फाइनली मेरे को बंदे मिल चुके हैं जिसको मैं ढूंढ रहा था एंड अब इस बंदों से मेरी 1v1 फाइट हो रही है एंड अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। 94 का 160 का गया है बट मेरे को इतना नहीं पता कि एचपी कितनी जानी होती है, मतलब 200 की या 400 की। मैं एंड तक मारता जब तक मतलब गन खत्म नहीं होती एंड इसको तो मैं मार के छोड़ूंगा। लड़की बहुत ज्यादा डैमेज है, 16 का डैमेज एंड 15 का भी डैमेज यहाँ पर गया एंड बहुत ज्यादा लड़की डैमेज है। अब थोड़ी गोली में खत्म होने वाली है आई थिंक, और ज्यादा एक दो डैमेज में खत्म हो जाएगी और 5 के डैमेज में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बट अब इसको क्लियर करना है और क्लियर करते समय मेरे को माइंड में ये भी रखना होगा कि कहीं मैं खुद ना क्लियर हो जाऊं, मतलब इसकी पेटी बनाते बनाते मेरी पेटी ना बन जाए। गुड क्वेश्चन। मैं क्लियर करने गया था, यहाँ पर एमओ ही नहीं है, मतलब दोनों गन की एमओ खत्म है। सो मैंने सोचा यहाँ से लूट कर लेते हैं एमओ के लिए, तो शॉटगन की यहाँ पर 5 एमओ मिल चुकी है। बट ये लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई, लड़की को ढूंढता मैं और लड़की मिलती है दोबारा से उसी घर में जाता हूँ। बट ये गलत गन से मार रहा था मैं इसको, शॉटगन निकाल के इसको फायर करते इसकी पेटी बनाते जल्दी से, मतलब क्या बकवास गन है। 72 का डैमेज गया बट किस्मत इतनी खराब कि पूरा रिलोड खत्म हो गया इसका एंड इसके साथ इसकी पेटी भी बन गई और यहाँ पर जोन आ जाता है और जोन से ही भागना पड़ेगा और 10-20 मीटर की दूरी पे एक बंदा भी है। अब यहाँ पर मुझे लगता है मैं एक बार फिर से पेटी बन जाऊंगा बिकॉज पीछे मेरा बंदा आ रहा है एंड आगे जोन आ रही है एंड जोन भी बहुत ज्यादा खाती है। अगर मैं जोन में रह गया तो मैं मर सकता हूँ और जेट पैक्स में भी चार्ज नहीं है। बट सामने मेरे को बोट दिखी है एंड बोट दिखी तो मेरे को लगता है हम बच जाएंगे बिकॉज बोट ज्यादा मदद करेगी। और ठीक है समरिया। A few moments later. तो बहुत देर तक मैं जोन ढूंढता रहा बट मेरे को जोन मिला नहीं और फाइनली जब मेरे को जोन मिला तब मैं जोन के अंदर भाग गया और भागते भागते तुम देख सकते हो यहाँ पर मैप काफी ज्यादा छोटा हो चुका है। मैप के दौरान यहाँ पर दो बंदे फाइट भी कर रहे थे बट ये फाइट ना गाड़ी से कर रहे थे और वो बाकी दो बंदे दूसरे स्क्वाड के थे। सो मैंने सोचा फायर कर दूं बट यहाँ पर मेरे को लगा फायर करना सही नहीं होगा, जोन भी आ रहा है, मेरे को भूया लेना है, विक्ट्री करना है, मतलब भूया विक्ट्री चिकन डिनर तुम जो भी बोल लो। अभी मेरे को इस गेम का पता नहीं कि क्या होता है क्या नहीं बट मेरे को टॉप 1 में जाना था एंड मेरे को यहाँ पर सबसे पहले इस गेम को सबसे लास्ट तक खत्म करना था। सो मैंने और मेरे टीममेट ने डिसाइड करा हम पहले जोन में जाएंगे उसके बाद फाइट लेने का सोचेंगे, मतलब मेरा तो प्लान यही था। सामने से बंदे हमें फायर कर रहे थे, अटैक कर रहे थे बट मैंने इग्नोर करा, मैंने सोचा सबसे पहले जोन में जाते हैं एंड जोन में जाके अपना कवर लेते हैं और उसके बाद हम फायर करेंगे, उसके बाद फाइट करेंगे। बट मेरा टीममेट उनसे लड़ने में लग गया था, मतलब उनसे फाइटिंग ले रहा था बट मैंने सोचा ऐसे सिचुएशन में मेरे को यहाँ पर फायर नहीं करना बिकॉज अगर उन्होंने मेरे को भी देख लिया तो हम दोनों को लड़ना होगा एंड इस हिसाब से भूया नहीं हो पाएगा, हमारी टीम नहीं जीत पाएगी। सो मैंने सोचा ऐसे सिचुएशन में सबसे बेस्ट मैं सबसे पहले जाके वहाँ पे पहुंच जाता हूँ ताकि मेरी टीम भूया कर सके। क्या बात है। सो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुंचता हूँ मेरा टीममेट भी पहुंच जाता है एंड यहाँ पर हमारा एक एनिमी भी हमारे सामने आया था तो हम दोनों मिलके इसको मारने का ट्राई करते हैं एंड यहाँ 26 का हेडशॉट तो नहीं बोल सकते, बॉडी शॉट ही लगा बट यहाँ पर किल कर दिया और मेरा टीममेट का किल आया, मेरा किल नहीं आया। बट कोई नहीं, अभी स्टिल 11 बंदे अलाइव है एंड मेरे को यहाँ पर लूट करना होगा। सबसे पहले तो एक अच्छी सी गन लेनी होगी एंड यहाँ पर बहुत पास में ही बंदे हैं एंड फायरिंग चले जा रही है, बाकी मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया गन यहाँ पर मिल जाती है एंड अब यहाँ किल बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस गन का रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा हाई है कि तुम देख सकते हो सामने एक बंदा है एंड किस तरीके से गन ज्यादा जल्दी खत्म कर रही है उस बंदे को। तुम देख सकते हो 30 का डैमेज गया, 53 का डैमेज गया और बहुत ही ज्यादा जल्दी चल रही है गन एंड रिलोड भी फास्ट हो रही है। अभी तक मैंने जितने भी गन्स यूज करे ना उनमें से सबसे बेस्ट अगर मैं कोई गन को दूंगा तो मतलब ये गन सबसे ज्यादा बढ़िया है। इसको 5 में से 5 स्टार देना चाहो तो देख सकते हो बिकॉज काफी बढ़िया रेट ऑफ फायर है इसका एंड यहाँ पर उसी के साथ साथ मैंने 3 किल कर दिया। बाकी इस गेम को खत्म करते हैं, 7 बंदे सिर्फ बचे हुए हैं एंड 3 किल में जैसे कि मैंने तुमको बोला मैंने कर दिया एंड इस गेम को विक्ट्री लेते हैं एंड इस गेम को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को आगे जाना होगा जोन में, बट सैड पार्ट ये है कि जोन भी हमारी तरफ से बन रहा है तो वो लोग आगे नहीं जाएंगे, हमें आगे जाना पड़ेगा और उनके पास ही जाना पड़ेगा। तो उससे पहले हमने सोचा क्यों ना उनको पहले अच्छे तरीके से डैमेज कर दे उसके बाद जाए, तो मेरा टीममेट उनको डैमेज दे रहा है। इसी के साथ साथ जोन भी आ गया तो जोन के साथ साथ मेरे को आगे जाना पड़ेगा एंड इन सब चीजों में ना जेट पैक बहुत ज्यादा मदद करते हैं, जैसे कि तुम यार देख ही सकते हो जेट पैक की मदद से मैं बहुत जल्दी आगे चला गया एंड यहाँ पर मेरे को बहुत जल्दी बंदे भी मिल गए एंड बंदों ने यहाँ पर लगा रखे थे अपने अपने रोबोट्स, मेरे को उनके रोबोट्स फोड़ने से सबसे पहले तो मैंने सबके रोबोट डिस्ट्रॉय करे। साथ साथ जोन आ गया एंड सामने ही बंदा है, मतलब बंदा है बंदी वो तो पता नहीं बट है कोई तो है, प्लेयर है, एनिमी है एंड इसके साथ इसने शॉट
शॉटगन मारी, ओ माय गॉड बहुत गंदी शॉटगन मार रही है लड़की। और इसके साथ साथ मैंने इसको बहुत जल्दी मारा एंड इसको खतरनाक हेडशॉट के साथ ही खत्म करा है। एंड बहुत ही तगड़ी गन है जो भी गन है ना ये। एंड उसी के साथ साथ मेरे यहाँ पे 4 किल हो चुके हैं और सिर्फ 4 बंदे अलाइव है। 4 में से आई थिंक 3 तो हम है और 1 सिंगल बंदा बचा हुआ है, और वो सिंगल बंदा कहाँ है वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, उसको ढूंढना पड़ेगा। एंड आई होप सो कि वो किल मेरा ही हो और मेरे 5 किल हो और 5 किल के साथ हम लोग विक्ट्री करें। बट वो बंदा कहाँ है मेरे को तो मिल नहीं रहा। मैं जाता हूँ देखता हूँ कहीं जोन के पीछे तो नहीं है, बट वहाँ भी नहीं होता। एंड इसी के साथ साथ बंदा जैसे ही दिखता है मैं उसको फायर करता हूँ एंड आई होप मेरे को किल मिल जाए, किल मिल जाए, किल मिल जाए, किल मिल जाए। बट 51 का डैमेज दिया है मैंने उसको। जेट पैक मैं गया जल्दी से उसके पास जाऊँ और उसके साथ साथ मेरा पार्टनर मार देता है। किल तो मेरा नहीं हो पाता बट कोई नहीं, विक्ट्री हमारी हुई इसकी खुशी है। एंड तुम्हें गेम प्ले कैसा लगा कैसा नहीं कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।